आज का दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए टेंशन से भरा रहने वाला है। केवल राजस्थान कांग्रेस के लिए ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान के माथे पर भी शिकन लगाने वाला है, क्योंकि आज सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ जयपुर में अनशन पर बैठने जा रहे हैं। गहलोत को उनके वादे याद कराने और वसुंधरा राजे की पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं लेने पर अपनी नाराजगी जगजाहिर करने वाले हैं। और अभी तक गहलोत और पायलट की लड़ाई अंदरूनी थी, लेकिन आज ये लड़ाई खुलकर सड़क पर दिखने लगी है। इस अनशन को लेकर कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है और डैमेज कंट्रोल के लिए किसे भेजा गया है, एक एक अपडेट आप हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। तो आपको बता दें, ये कोई नई बात नहीं है, सचिन पायलट अक्सर गहलोत के खिलाफ खुलकर सामने आते रहे और आज एक बार फिर से सुबह 10 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर दिन भर के लिए सचिन पायलट धरने पर बैठने वाले हैं। और वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने पर शिकायत के बावजूद गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर आज गहलोत को घेरने की पायलट की रणनीति है। सुबह 11 बजे जगह जयपुर का शहीद स्मारक। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ शहीद स्मारक से शंखनाद कर रहे हैं। एक दिन के अनशन पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट को हाईकमान से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है। रंधावा ने पायलट के अनशन को लेकर बयान जारी कर कहा है कि पायलट का अनशन पार्टी विरोधी है। रंधावा ने लिखा है, सचिन पायलट का अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है। मैं पिछले 5 महीनों से राजस्थान का प्रभारी हूँ। इस मुद्दे पर मुझसे कभी उन्होंने कोई बात नहीं की। मैं अपील करता हूँ, अगर उनको सरकार से कोई दिक्कत है तो वो इस मुद्दे को सार्वजनिक मंच की जगह पार्टी मंच पर रखें, क्योंकि कांग्रेस के लिए सचिन पायलट महत्वपूर्ण है। अनशन से पहले पायलट को डायरेक्ट मैसेज देने के बाद रंधावा आज जयपुर भी पहुंच रहे हैं। अपने जयपुर प्रवास के दौरान रंधावा सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट के साथ भी मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पायलट खेमा इससे बेपरवाह अनशन की तैयारियों में जुटा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर पर है, 7 महीने से भी कम समय बचा है। सचिन पायलट लगातार कांग्रेस हाईकमान पर चुनाव से पहले सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन हाईकमान लगातार गहलोत के साथ खड़ा है। पायलट का आरोप है कि अशोक गहलोत सरकार ने पिछले 4.25 साल के दौरान बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, लेकिन पार्टी का कहना है कि गहलोत ने वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की न सिर्फ जांच कराई है, बल्कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एक्शन भी लिया है। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज़ सामने आए हैं, उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे। अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है, संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलएस को खरीद कर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही, जांच हो रही है। और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहाँ महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए कि हर पहलू पर जांच हो रही है, ना केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। कांग्रेस हाईकमान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है।
लेकिन सचिन पायलट कैंप के नेता खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अपने समर्थक किसी भी विधायक को अनशन में न आने को कहा है, लेकिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पायलट के सुर में कह रहे हैं कि जिन मुद्दों पर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस की इस लड़ाई का खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।